जो आपके मैथमेटिक्स में या फिर आपके केमिस्ट्री में जो जो बाकी है ना, वो आप सुनील सर को लिख के भेज दीजिएगा, मतलब क्लास 12 वाले, हाँ क्लास 12 पे जो स्टूडेंट है, तो जो आपका बाकी है मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो वो लिख के आप सुनील सर को भेज दीजिएगा। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक डालिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिकली क्या है, देखो जैसे सपोज एक इक्वेशन ले लो, अब यहाँ पे देखो कोई भी एक का रियल वैल्यू इसे सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, है ना। अब कोई भी नंबर सोचो या कोई भी रियल नंबर सोचो, ये कभी भी इसे इसको मतलब सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, है ना, बराबर। तो इस कारण यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ से इन्वेंशन हुआ। जैसे पहले क्या होता है हमारे पास, नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, फिर आपका इंटीजर, फिर फ्रैक्शन, रियल नंबर, वो सब। तो उसी तरह ये भी एक टाइप का नंबर है ना, मतलब एक नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन। तो अगर आपने एक्स की वैल्यू निकालो, अगर आप एक्स की वैल्यू निकाल लो तो फिर क्या आएगा, तो देन आई गेट एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस वन, है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस वन। अब देखो अंडर रूट माइनस वन तो कुछ है नहीं, ये तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं, अभी तक जितने भी आपने मतलब पढ़ रखा होगा इंट्रोडक्शन आपके पास नहीं हुआ होगा। तो अंडर रूट ऑफ माइनस वन को अंडर रूट माइनस वन को हमने लिख दिया आयोटा, पहली का आयोटा आईओ, ठीक है। तो अंडर रूट माइनस वन क्या बन जाएगा हमारा, आयोटा बन जाएगा। तो बेसिकली यहां से एक्स की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, है ना। जैसे मान लो रूट सिक्सटीन, रूट ऑफ माइनस सिक्सटीन, मतलब नेगेटिव नंबर का अंडर रूट डिफाइन नहीं होती, है ना। तो उसे हमने डिफाइन किया, डिफाइन किया मीन्स उसे हमने रिप्रेजेंट किया, जैसे रिप्रेजेंट किया आयोटा से, ठीक है ना, स्मॉल आई से। अब देखो इसे आप क्या लिखोगे, ये बन जाएगा तुम्हारा फोर आयोटा है, क्योंकि रूट सिक्सटीन की वैल्यू क्या होती है, फोर, एंड अंडर रूट ऑफ माइनस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, आयोटा। ये तो हो गए आयोटा के बारे में। आगे आप देखिए आयोटा की कुछ प्रॉपर्टीज है। तो अभी हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, नहीं होता है, इसके पहले हम लोग आयोटा के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज जो है उसके, वो हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद कहीं जाके कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा आपको। पहले आप देखो आयोटा के बारे में, जैसे यहाँ पे आयोटा क्या आ गया, अंडर रूट माइनस वन। तो सपोज अगर आपने आई का स्क्वायर निकाल लिया, ये कितना आएगा, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, आपने स्क्वायर किया क्या आ गया माइनस वन। ओके, देन कमिंग टू आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आप लिख सकते हो आयोटा की पावर टू मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस वन, दैट इंप्लाइज इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ आयोटा, है ना। तो हमने आपको भी क्या सिखाया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा क्यूब की वैल्यू, ये आपको लर्न करनी है। सिमिलरली आई रेस टू फोर, दैट आयोटा रेस टू फोर, मतलब क्या, आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, अपन इसे ऐसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, आई स्क्वायर की होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर, दैट मीन्स। तो अभी हमें तक यहीं पे लर्न करनी है, आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है माइनस वन, सिंपल है ना। आई की पावर थ्री इट इज इक्वल टू माइनस आयोटा, एंड आई रेस टू फोर इट इज इक्वल टू वन, ये हमें लर्न करना है। ऐसी साइकिल क्या होती है, चार होती है, इसके बाद आप कोई भी नंबर की पावर कुछ भी आ जाए वो आप निकाल सकते हो। सपोज आई रेस टू 37, आई रेस, यहाँ पे करना क्या है, 37 को आप फोर से डिवाइड करो, ठीक है, मतलब फोर से डिवाइड करो तो क्या आएगा, I can write it as I 4 into 8, 4 into 9 plus
क्या बन जाएगा 37। तो फिर क्या लिख सकते हो आप, एक्सपोनेंट आपको याद होगा a रेस टू m प्लस n, तो दिस टाइम रीजन है a रेस टू m मल्टीप्लाइड बाय a रेस टू n, है ना, ऐसे आप लिख सकते हो। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ i रेस टू 4 इंटू 9 मल्टीप्लाइड बाय i रेस टू 1, i रेस टू 1, यहाँ तक क्लियर होगा। फिर हमने क्या किया, i रेस टू 4, इसे आप ऐसे लिख सकते हो ना, i रेस टू 4 रेस टू 9 देन मल्टीप्लाइड बाय i, ओके। आगे देखिए, अब क्या हो गया, i रेस टू 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 ना, बराबर 1 की पावर आप कुछ भी कर लो, है ना, 1 की पावर आप कुछ भी कर लो वो क्या आएगा, वो बन ही आएगा, है ना। ठीक है, i रेस टू 4 की वैल्यू क्या आ गया, 1, एंड 1 की पावर 9 क्या आ गया, दैट इज 1। अल्टीमेटली ये क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, आयोटा, है ना। इसमें किसी को डाउट है बताओ, इसमें किसी को डाउट है तो बता सकते हो, यहाँ तक, यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। नो सर, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब ये तो रहा आई रेस टू 37 की वैल्यू। सपोज हमने आपको एक नंबर बढ़ा दिया, मतलब गेटर कर दिया 71, है ना, आयोटा रेस टू 71, तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? देखो ये थोड़ा सा लंबा मेथड है ना, लेंदी मेथड है। अब क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड सीखते हैं। आपको यहाँ पे करना क्या है, 71 को डिवाइड करना है 4 से, ठीक है, क्या करना है अपन को, 71 को डिवाइड करना है 4 से, और हमें सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है, ठीक है। आप कोई भी नंबर को अगर डिवाइड करोगे 4 से, दैट इंप्लाइज क्या क्या आने वाला है, या तो आंसर 0 बन जाएगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, 0, 1, 2, 3, है ना, बराबर। अगर आप किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हो देन क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, Either it will become 0 or 1 or 2 or 3, है ना, इससे ज्यादा कुछ आने वाला है नहीं। तो अब तो यहाँ पर क्या करो, 71 को डिवाइड करो इससे 4 से, रिमाइंडर क्या है, 3 आ जाएगा ना, बराबर, क्योंकि 68 होता है ना डिवाइड। तो आप क्या लिखोगे, जो रिमाइंडर आया ना वही आप लिखो, इसे आप ऐसे लिखो आयोटा की पावर, ओके, इसे आप क्या लिखोगे, आयोटा रेस टू, कितना रिमाइंडर आया, 1 आया तो 1 लिखोगे, 2 आया तो 2 लिखोगे, 3 आया तो 3 लिखोगे, ऐसे 0 आया तो 0 लिखना। आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से निकला ना, क्या निकला, माइनस आया था, इसकी आप वैल्यू लिखो, है कि नहीं, तो ये तो सिंपल है। कोई मुझे इसका वैल्यू बता ना, आई रेस टू 92, इसका वैल्यू आप मुझे बताओ, आयोटा रेस टू 92, आयोटा रेस टू 92 सर, इज इट 1, 1, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, हाँ सही है, क्योंकि अगर आपने 92 को 4 से अगर डिवाइड कर लिया तो क्या आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0, ओके, तो देन आई कैन राइट आई रेस टू 0, आई रेस टू 0 कितना बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आई रेस टू 578, इसका वैल्यू मुझे कोई बताना, आई रेस टू 578, आई रेस टू 578 सर, इज इट माइनस 1, माइनस 1, लेते हैं मैंने, अगर आपने डिवाइड किया इसको 4 से तो फिर रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आ जाएगा, है ना, बिकॉज 76 डिवाइड जाता है, 4 का डिविजिबिलिटी आपको याद है ना, लास्ट 2 डिजिट, है ना, बाकी सबसे आपको मतलब ही नहीं है, क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड करो, ओके, लास्ट 2 डिजिट को आप 4 से अगर आपने डिवाइड किया तो कितना आएगा रिमाइंडर, 2 आ जाएगा। तो देन दिस विल बिकम आई रेस टू 2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है,
तो दैट इंप्लाइज आप कह सकते हो, मान लो कोई नंबर ऐसा रहा 2, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4 है ना, ये नंबर दिया गया है, एक्सपोनेंट है। तो हमें अगर 4 से डिवाइड करना है तो आपको याद होगा डिविजिट है ना, डिविजिट क्या करेंगे आप 4 से डिवाइड करो, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, बाकी तो मतलब ही नहीं अपन को। तो अगर आपने डिवाइड किया 24 को तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। तो दिस इंप्लाइज दिस विल बिकम आयोटा रेस टू 0। अब आयोटा रेस टू वैल्यू क्या होती है, देखो है ना, कितना बन जाएगा, बना जाएगा। तो यहाँ तक किसी को डाउट है, सिंपल है ना, सिंपल है, बराबर सिंपल है। आगे बढ़ते हैं ना, आई एस टू 37 प्लस 1 अपॉन आयोटा रेस टू 57, इसका वैल्यू बताना। आयोटा रेस टू 37 प्लस 1 अपॉन आयोटा रेस टू 57, इसके लिए क्या जाएगा आंसर, आयोटा रेस टू 37 के लिए इसके लिए कितना जाएगा आंसर, आयोटा आएगा ना सर, अगर आपने 37 को 4 से डिवाइड किया देन यू गेट द रिमाइंडर 1, ये बन गया आयोटा प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे क्या जाएगा 56 जाता है ना डिवाइड, यहाँ भी आ जाएगा फर्दर। यहाँ तक फर्दर अगर आपने सॉल्व किया, सिंपल है, जैसे आप एलसीएम लिया करते थे वैसे ही है, देन यू विल गेट यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आयोटा, एंड देयर दिस विल बिकम आई रेज टू 2 प्लस 1, ठीक है, क्या बन जाएगा आई रेज टू 2 प्लस 1 मीन्स आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 + 1 upon iota, तो देन गेट विल गेट 0। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये आपका आया होगा समझ में है ना। अब कुछ अच्छे प्रॉब्लम करते, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + iota² + iota^4 प्लस आयोटा रेस टू 6 प्लस आयोटा रेस टू 8 डॉट 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 अप टू आयोटा रेस टू 13 है ना, क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + iota² + iota^4 प्लस डॉट 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 अप टू 13, मतलब बीच में क्या आ रहा है, इसके बाद का टर्म क्या होगा आपके पास, आयोटा की पावर 10, फिर 12, 14, बराबर ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, इसका हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है, बताओगे होगा वैल्यू क्या होगा, वैल्यू क्या होगा इसका बता सकते हो, अगर आपने जीपी पर आया तो जीपी का कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो, जिसने जीपी पर आया वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, और अगर नहीं पर आया जीपी अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट जीपी का फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। और एक तरीका क्या, देखिए ये हमने लिखा 1,
यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन है ना, यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस प्लस आयोटा रेज टू फोर, आयोटा रेज टू फोर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी विल गेट वन ओके, एंड आयोटा रेज टू सिक्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस है ना। सिमिलरली आयोटा रेज टू एट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन है ना। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा हमारा, आयोटा रेज टू टेन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस प्लस डॉट 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 सिमिलर। अब देखो अब लास्ट टर्म क्या है हमारा, आयोटा रेज टू थर्टी बराबर। अब देखिए आयोटा रेज टू थर्टी का इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस वन आएगा है कि नहीं। इसके पहले का टर्म क्या आ रहा होगा, माइनस वन के पहले का टर्म क्या आ रहा होगा, माइनस वन आ रहा है प्लस वन। हाँ क्या हुआ, नहीं आएगा समझ में, ला समझ में आया क्या, सर इज इट जीरो आंसर। हाँ सही आंसर जीरो है। अब माइनस वन के पहले वाला टर्म क्या आएगा, प्लस वन ओके, तो देन आंसर इज जीरो, क्योंकि जब ये हमारा कैंसिल आउट हो गया ओके, सिमिलरली दिस वे दिस दिस, तो योर आंसर इज रिपीट। देख लो उन्होंने क्या किया, वन और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन, आई रेज टू फोर की वैल्यू क्या होगी, आई रेज टू फोर की वैल्यू क्या होगी, वन है ना, आई रेज टू सिक्स की वैल्यू क्या होगा, आई रेज टू सिक्स की वैल्यू क्या होगा, इसे आ जाएगा माइनस वन है ना। फिर आपको आई रेज टू एट की वैल्यू क्या होगी, वन, फिर से क्या आ गया, माइनस वन डॉट डॉट डॉट। अब i रेज टू 30 की वैल्यू क्या होगा, माइनस वन ना है ना, इसके पहले का टर्म क्या हो रहा होगा, वन, क्या हो गया, सारे के सारे टर्म कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया हमारा, जीरो। ठीक है, अगर ये समझ में आया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, सेम प्रॉब्लम है, वन प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा रेज टू फोर प्लस आयोटा रेज टू सिक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म इज आयोटा रेज टू 20, इसका वैल्यू बताइएगा, वन प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा रेज टू फोर प्लस आयोटा रेज टू सिक्स प्लस डॉट डॉट अप टू आयोटा रेज टू 20 है ना, इसका वैल्यू बताइएगा। सर इज इट वन, वन, हाँ सही है आंसर, सही है आंसर, सही वन सही है। तो देन दिस विल बिकम वन, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन ओके, देन आई रेज टू फोर इज वन, आई रेज टू सिक्स माइनस वन, सिमिलरली डॉट 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 अप टू आई रेज टू 20, इसकी वैल्यू क्या होगी, वन है ना। अब देखो अब ये जो आपका वन है, इस वन को कैंसिल आउट करने के लिए कोई टर्म नहीं है ना, इस वन को कैंसिल आउट करने के लिए कोई टर्म नहीं है, इससे पहले का टर्म क्या होगा, माइनस वन और यहाँ पे प्लस वन है ना, तो ये टर्म हमारा कैंसिल हो गया, बस ये जो वन है ये हमारा लेफ्ट ओवर हो गया, क्या आ गया आंसर, इज गुड। और अगर जीपी आता है तो जीपी का भी आप बैड फॉर्मूला लगा सकते हो ओके, जीपी का भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो। ये बेसिक है ठीक है ना, ये बेसिक है।
नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा रेस टू 592 590 588 ऐसा कुछ. तो इसका वैल्यू एक बार अटेम्प्ट करो ना, वो ट्राई करो. तो विजिबल नहीं होगा, एक बार आप अटेम्प्ट करो. काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी नया टॉपिक है ना, ऐसा टॉपिक आपने पहले नहीं पढ़ा होगा. जो 11th के बच्चे उनके बारे में बात कर रहे हैं. और अगर आप कंपटीशन के हिसाब से देखो या फिर बोर्ड के हिसाब से देखो तब भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तब भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है. देखो एक तरीका तो क्या है, एक तरीका है कि ना आप हर एक की वैल्यू निकाल लो, है ना, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, है ना, बराबर. लास्ट में जितने भी टर्म्स है उसकी वैल्यू निकाल लो, आंसर हमारा आना चाहिए. बट और एक क्या है ना, कैलकुलेशन से नहीं जाएंगे. आप देखो पावर समझते हो ना, एक्सपोनेंट, तो न्यूमरेटर से आप कॉमन ले सकते हो, है ना, आप न्यूमरेटर से कॉमन ले सकते हो. क्या कॉमन ले सकते हो, आई कैन टेक कॉमन आयोटा रेस टू 584, है ना, सबसे जो लोएस्ट टर्म है ये आप कॉमन ले सकते हो. ये पढ़ा होगा ना आपने, आ रहा हूँ a raise to 5 plus a raise to 2, then we can take common a square, then we get a cube plus 1, है ना, ऐसा कुछ किया होगा आपने पहले. तो अगर आप कॉमन ले रहे हो 584, then I get i raise to, यहाँ पे क्या आने वाला है 8, है ना, i raise to 8, बराबर. क्योंकि अगर आपने इनको इनको प्लस किया तो क्या आ गया 592 आ जाएगी ना. फिर क्या आ जाएगा हमारे पास i raise to 6, then I get i raise to 4, similarly i to power 2, then iota raise then 1. Okay. क्या किया हमने, जो lowest term है, जो lowest term और exponent है वो हमने common लिया. Similarly यहाँ पे अगर आपने common लिया, यहाँ से आप क्या लोगे common, 574 iota raise to 574. Okay. Then I get i raise to 8, i raise to 6, iota raise to 4, then iota square, then plus. Okay. अब तो सिंपल हो गया ना, अब तो काफी सिंपल हो गया. ये टर्म हमारे कैंसिल आउट हो गए हैं, ये टर्म कैंसिल आउट हो गया. ओके, इसका मतलब आपको ये टर्म हमारा कैंसिल आउट हो गया. आगे आप क्या कर सकते हो, और अपने फॉर्मूला एक पढ़ा होगा a raise to m upon a raise to n, है ना, a raise to m upon a raise to n. So then this will become a raise to m minus n, है ना, a raise to m minus n. Then I can write iota raise to 584 minus iota raise to 574, है ना, sorry 584 minus 574, right? Exponent में कैसी आ गई, 584 minus 574. Then its value is equals to 10. I raise to 10 means हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 2, देन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई माइनस, है ना. और एक मेथड क्या था, सिंपल, अगर आपने सारी की वैल्यू निकाल लो, पर्टिकुलर हर टर्म की वैल्यू निकाल लो, लेकिन वो थोड़ा सा हो जाएगा, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अदरवाइज आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, है ना. तो अब आपका पावर कुछ भी आए आयोटा का, वो आप बना लोगे, है ना, पावर कुछ भी आए, कोई भी पावर है तो आप उसे झेल सकते हो. नेक्स्ट देखो एक इंपॉर्टेंट नोट की नोट, मतलब एक टाइप की प्रॉब्लम तो ये होगी आयोटा की पावर, है ना, आयोटा की पावर आप निकालोगे तो मतलब एक तरह का प्रॉब्लम ये होता है. दूसरा क्या होता है देख लो नोट्स में,
the sum of four consecutive terms of iota or consecutive exponent. The sum of four consecutive exponent terms of iota is equal to zero. चार कंसेक्यूटिव अगर आपने लिया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. दैट इंप्लाइज कि कहना क्या चाहता है, अगर आपके पास आई रेस टू एन है, आई रेस टू एन प्लस वन, आयोटा रेस टू एन प्लस टू है ना, प्लस आयोटा रेस टू एन प्लस टू, ओके, इसकी वैल्यू क्या लिख दोगे आप, है ना, इसकी वैल्यू आप क्या लिख दोगे? जीरो. चार कंसेक्यूटिव ही होने चाहिए, अगर कंसेक्यूटिव नहीं है तो फिर वो जीरो नहीं बनेगा. तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हो 52 आयोटा रेस टू 53 आयोटा रेस टू 54, देन आई कैन राइट आयोटा रेस टू 55. आज बनकर के वैल्यू क्या बता दोगे? जीरो, है ना. जीरो क्यों? क्योंकि ये कंसेक्यूटिव है, बराबर. क्या है वो? कंसेक्यूटिव है, ओके, देखो है ना, कंसेक्यूटिव 52 53 54 55 है कि नहीं. क्या ये सारे के सारे हमारे कंसेक्यूटिव है? ओके, ये हो गया. अब इसका प्रूफ भी देख लो, इसका प्रूफ देख लो, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जनरल नॉलेज के लिए समझ लो. तो आई रेस टू एन आयोटा रेस टू एन प्लस वन प्लस आयोटा रेस टू एन प्लस टू प्लस आयोटा रेस टू एन प्लस लोएस्ट क्या है ना, लोएस्ट क्या है हमारे पास एक्सपोनेंट की, अगर आप देखो तो आयोटा की पावर एन लोएस्ट, गेट वन प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यू, तो वी गेट आयोटा रेस टू एन वन, और ये तो आयोटा आप कर नहीं सकते हो. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस वन, देन आई कैन माइनस वन माइनस आयोटा, है ना. तो अब क्या हो गया, देखो वन वन चला गया, आयोटा चला गया, कितना गया? तो आपके दिमाग में अभी तक ये चले जाने चाहिए कि ना, चार कंसेक्यूटिव अगर है, चार कंसेक्यूटिव है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, है ना. चार कंसेक्यूटिव है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो, है ना. अब देखो प्रॉब्लम, देखो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, एक स्टोरी समझ लो जैसे. अब इसके बेस हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे. सपोज कुछ प्रॉब्लम ऐसे रहते हैं, आयोटा रेस टू कितना से स्टार्ट करें, 47 है, 48 49 dot 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 up to iota raised to 1213, बराबर. ऐसा कुछ तो ये दिख रहा होगा आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड है ना, बराबर. क्योंकि 47 से हमें 1213 तक जाना है ना, तो आप समझ रहे हो ना, 47 से पहले तो हम 50 तक जाएंगे, फिर क्या जाएंगे हम 51 से लेके 54 है ना. तो वहां मतलब करते करते हमें क्या करना है, यहाँ तक पहुंचना है, बराबर. तो चार 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 का ग्रुप होगा, ग्रुप करने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो. और लास्ट में कुछ हमारे टर्म्स बचेंगे, वो हमें आंसर निकालना है, ओके. तो इस तरह प्रॉब्लम को कैसे करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल पहले बता देते हैं कॉन्सेप्ट के लिए, इसे हम बाद में करते हैं, है ना. अभी आप देखो इस पर आप फोकस करो, अभी जहाँ आप बता रहे, सपोज टर्म्स ऐसे आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यू. पहले एक एकदम कॉन्सेप्ट से बताते हैं, हाँ ऐसा क्यों हुआ, जो हम आपको स्टेप बताएंगे, है ना, आप ऐसा करोगे वैसा करोगे, इसका लॉजिक पूरा आपको इस छोटे से एग्जांपल में मिल जाएगा. ये हमें प्रॉब्लम मिल गया, ठीक है.
देखो सारे क्या है कंसेक्यूटिव है बिकॉज यहाँ पे क्या है आयोटा की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अब देखो अब तक तो आपका आंसर भी आ गया होगा इसका आपने क्या किया होगा स्टार बुक किया होगा पहला ग्रुप आयोटा से लेके आई की पावर 4 तक भी होगा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ओके क्योंकि क्या यहाँ पे स्टार कंसेक्यूटिव है ना 4 कंसेक्यूटिव की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से देखना है काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ से लेके यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई ये भी 0 होगा ना अरे 5, 6, 7, 8 क्या कंसेक्यूटिव है बच गए आपके पास 2 बच क्या गए सिर्फ और सिर्फ 2 समझिए उसकी वैल्यू क्या होगी आयोटा की पावर 9 आपने आपने इसे क्या किया 4 से डिवाइड किया तो अगर आप 4 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा आयोटा आएगा ओके आयोटा की पावर 10 है इसे आपने क्या किया 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर कितना आएगा मतलब 10 को 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर आ जाएगा 2 आई स्क्वायर आंसर क्या आएगा आयोटा माइनस या तो एक तो हमारा तरीका रहा है ये सोचने का और एक तरीका क्या है सोचने का अब कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे होंगे तो क्यों ना हम लास्ट से स्टार्ट करें है ना क्यों ना आप लास्ट से स्टार्ट करो 10, 9, 8, 7 ये भी क्या है कंसेक्यूटिव है ना तो इसकी वैल्यू क्या होगी इक्वल टू 0 है ना फिर आपने क्या सोचा चलो हम ऐसा करते हैं 6, 5, 4, 3 को ले लेते हैं एक ही बार समझाएंगे ठीक है बार बार नहीं समझाएंगे लेकिन काफी सिंपल है एक ही बार समझाएंगे ध्यान से देखिए ना क्या हो रहा है अब क्या हो रहा है स्टार्टिंग के हमारे 2 टर्म बच गए है ना स्टार्टिंग के हमारे पास 2 टर्म बच गए क्या बच गए एक आयोटा और एक यहाँ पे आई की पावर 2 इसकी वैल्यू क्या होगी आयोटा और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस 2 सेम आंसर आएगा सेम आंसर आएगा अब बताओ कौन सा ज्यादा आसान है पीछे से जाना या फिर सामने से आना है मतलब बिगनिंग से या फिर एंड से क्योंकि बिगनिंग वाला ज्यादा सिंपल है क्योंकि हमें एंड में जो वैल्यू है उसे फिर सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है और बिगनिंग वाला जो भी वैल्यू रहा वो सिंपली हो जाएगा है ना मतलब कंपेयर टू फर्स्ट मेथड जो हमने आपको बताया था उसके कंपेयर में जो हमने सेकेंड मेथड आपको सिखाया वो ज्यादा आसान है ना वो ज्यादा आसान है बाद देखो यहाँ पे अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इतने बड़े प्रॉब्लम का ना स्टेप सीख लेते हैं कैसे सॉल्व करोगे इस तरह का प्रॉब्लम पहला फर्स्ट स्टेप फाइंड नंबर ऑफ टर्म क्या करना है फाइंड नंबर ऑफ टर्म है ना जो टर्म्स है उसकी आप नंबर निकाल लो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ओके कितने नंबर ऑफ टर्म्स है सेकेंड डिवाइड डिवाइड नंबर ऑफ टर्म्स बाय 4 है ना जो भी टर्म्स आएंगे उसे आप क्या करो 4 से डिवाइड कर लो है ना जितने नंबर ऑफ टर्म्स है 4 से डिवाइड करोगे एंड फाइंड रिमाइंडर एंड फाइंड रिमाइंडर है क्या करोगे आप 4 से डिवाइड करोगे इसके बाद क्या करना है हमें रिमाइंडर निकालनी है ना तो क्या निकालनी है रिमाइंडर रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं 0, 1, 2, 3 तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिख दे रहा हूँ पहला मतलब थर्ड स्टेप इफ रिमाइंडर इज 0 है ना पॉसिबल हो सकता है कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाए 0 अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है देन आंसर इज 0 है ना आंसर क्या आएगा 0 आएगा ओके नेक्स्ट अगर रिमाइंडर आपके पास क्या आ रहा है 1 सपोज रिमाइंडर क्या आ गया 1 1 आने से देन टेक फर्स्ट टर्म क्या करना है हमें फर्स्ट टर्म लेना अगर रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है तो पहले लिख लो अच्छे से फिर अच्छे से समझाएंगे ऐसा क्यों हुआ क्या लॉजिक था क्या कह रहा है मैंने तो समझ में भी आ गया होगा
अगर रिमाइंडर टू है, अगर रिमाइंडर टू है देन टेक द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड है ना। क्या करना हमें यहाँ पे, हमें सम निकालना है फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का जो आएगा आंसर, तो आपको क्या करो प्लस कर लो। लास्ट केस क्या हो सकता है, दिखता होगा सर, लास्ट केस क्या हो सकती है, अगर रिमाइंडर हमारा क्या है, थ्री है ना, ये भी हो तो हा? ये भी हो सकता है पॉसिबल। अगर थ्री आ रहा है तो फिर देन टेक द सम ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड का, है ना। तो इतने केस तो पॉसिबल हो सकते हैं ना, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ सकता है, या तो जीरो या फिर वन या फिर टू या फिर थ्री, है ना। इससे बाहर हमारा आंसर नहीं जा सकता। जो स्टेप हमने यहाँ पे किया, अब मैं आपको इसके लिए बताऊंगा, है ना, जो आपको एग्जाम्पल बताया गया इसके लिए। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, ये आप गिन रहे हो ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, है ना, हाथ में गिन लो कितने हो गए, दस। कितने टर्म्स हो गए हमारे पास, दस। दस को आप क्या करो, फोर से डिवाइड कर लो। टेन को अगर आपने फोर से डिवाइड किया देन वी गेट रिमाइंडर है टू, है ना। अगर आपने टेन को फोर से डिवाइड किया कितना आएगा रिमाइंडर, टू। टू का मतलब क्या है, टेक द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, टेक द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। तो क्या आएगा यहाँ पे, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, कितना आ गया आयोटा। देखो यहाँ पे किया ना काम, तो अगर ये लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है 100% जो हमने प्रॉब्लम लिखा है इसमें 100% वो काम करेगा। ओके, तो पहले आप इसे ठीक से कॉपी कर लो, है ना, फिर हम आगे बढ़ गए। इसे पहले आप कॉपी कर लो, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा ना। हमने फर्स्ट क्लास में सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है ना, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिए है आयोटा के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो सब के बारे में अभी हम डिटेलिंग नहीं की है, तो उसे हम नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे, डिटेलिंग करेंगे। पहले आप यहाँ तक लिख लो, है ना, फिर मतलब इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अलजेब्रा का सबसे टफेस्ट चैप्टर है, ठीक है, अलजेब्रा का सबसे टफेस्ट चैप्टर है। इस कारण हम इसे टाइम लेके सिंपल तरीके से मतलब पढ़ाया जाता है, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से चले जाए, क्लियर है ना। अब किसी से पूछो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, दो ही चैप्टर डिफिकल्ट है, एक ये और एक आपका परमोटेशन कॉम्बिनेशन। तो इसे हम जनरली दो पार्ट में पढ़ाते हैं ना, इसे जनरली हम दो पार्ट में पढ़ाते हैं, एक इलेवेंथ में और एक फिर आपका ट्वेल्थ में। मतलब इसमें कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन आ जाता है, इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला, तो वो अभी तक आपको पता भी नहीं होगा और अभी तक आपने मतलब कहीं भी पढ़ा नहीं होगा। तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवाने के बाद, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने के बाद फिर ये सब पढ़ाया जाता है। ओके, तो आपने यहाँ तक कॉपी कर लिया। सर हाँ बोलो सर, कैन यू मूव अ लिटिल बिट असाइड। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, तो अब तक आपका हो गया होगा कॉपी, है ना। चलो इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप क्या है हमारा, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, है यहाँ पे हो जाएगा फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें काउंट करने हैं, तो पावर क्या है यहाँ पे, 47 टू 1213, है ना। इतने नंबर्स है 47 से लेके 1213, इसे हमें क्या करना है, काउंट करने हैं, है ना।
तो नंबरिंग नंबर का कैसे होता है काम, जैसे मान लो 1 से लेकर 10, 1 से लेकर 10 नंबर कितने आते हैं, 10 आते हैं ना, ये तो आप हाफ में गिन लोगे। 2 से लेकर 10 तक, 5 से लेकर 14 होते हैं। अब बताओ कितने आएंगे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 5 to 14, हाथ में गिन लो, 10 आ रहे होंगे है ना, आ रहे हैं 10, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो फंडा क्या है देखो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस टर्म, ये तरीका होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का। लेकिन यहाँ तो आप मतलब यहाँ पे आप नहीं गिनने जाओगे ना, है कि नहीं, 47 से लेकर 1 2 1 3 तक उसमें हाथ गिनोगे तो फिर हाथ छोटा पड़ जाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस वन, तो कहीं पे लिख लो नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म, ये हो गया, और प्लस वन, प्लस वन कर लो। यहाँ पे देख लो हमने क्या किया, 14 माइनस 5 प्लस 1, तो यहाँ भी हमें सेम करना है, क्या करना है, 1 2 1 3 माइनस ऑफ 47 कितना आ जाएगा, 6 6, और यहाँ से 1 है ना, ये हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 1 1 6 7, कितना आ गया, 1 1 6 7, क्योंकि माइनस किया फिर क्या किया, प्लस वन चाहिए। अब इसे आप क्या करोगे, फोर से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकाल लो, कितना आ गया रिमाइंडर, 67 को अगर आपने फोर से डिवाइड किया 3 आने वाला है, आने वाला 3 आने वाला है, यहाँ तक क्लियर है। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, नंबर जो हमने निकाला नंबर 1 6 7, ओके, इसके बाद डिवाइड द नंबर ऑफ टर्म्स बाई 4, तो 4 से डिवाइड किया कितना आ गया रिमाइंडर, 3 आने के बाद अब क्या आ जाए, अब क्या आ जाएगी इसके, तो क्या आ गया इसे, देन ये बताया था ना लास्ट में, इफ द रिमाइंडर इज 3 देन टेक द सम ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म, दैट इंप्लाइज 47 देन 48 देन आयोटा रेज टू 48। तो अब क्या वैल्यू आ गया हमारे पास, आयोटा रेस 47, दैट इंप्लाइज आयोटा क्यू प्लस आयोटा रेस 0 प्लस आयोटा, तो आयोटा क्यू इज माइनस आयोटा, आयोटा रेस 0 इज प्लस 1 एंड आयोटा इज सिंपली आयोटा, कितना गया आंसर हमारा, तो यहाँ तक कॉपी कर लो। और किसी को डाउट है इसमें बताओ, एनी डाउट, किसी को डाउट, नो सर, नो, ओके, और किसी को, ये सब कॉपी कर लो फटाफट, इसे हम कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसे हम कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, इतना बड़ा नहीं लिख के ऐसे लिखेंगे, समेशन है ना, समेशन मीन एडिशन, जब ऐसा आपको दिखे ना तो मतलब क्या होगा, समेशन, समेशन मीन्स ऐड करना है ना, समेशन मीन्स ऐड करना,
तो ऐसे लिखेंगे हम समेशन आयोटा रेस टू आर, क्या लिखेंगे समेशन आयोटा रेस टू आर, तो आर इज इक्वल टू 47 टू 1213 ऐसे लिखेंगे, मतलब इतना बड़ा नहीं लिख करके हम क्या करेंगे डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, डायरेक्ट आप ऐसे लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है, पहले आपने मतलब पहले आप क्या दोगे, मतलब आर के जगह पे पहले आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे 47, ठीक है सब्स्टिट्यूट करोगे 48 49 नंबर्स है ना, नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर ये क्लियर है तो आप मुझे इसका आंसर बताना है ना, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज आयोटा रेस टू आर, आर इज इक्वल टू 78 टू 1341 है ना, समेशन आयोटा रेस टू आर 1341 है ना, इसका मतलब क्या होगा आयोटा रेस टू 78, इसको दिक्कत है समेशन में, पहली बार नाम सुने हो गया, अगर आयोटा रेस टू 80 प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म इज आयोटा रेस टू 1341 है ना, आप मुझे इसका आंसर बताना। हाँ सभी को बताना है ना, सभी को बताना, टाइम लो 5 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं, 5 मिनट्स में आपको बताना है आंसर क्या होगा आपका। आंसर आया किसी का क्या, एनीवन गॉट द आंसर, हेलो किसी का है क्या आंसर, ठीक है नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, क्या करना है यहाँ पे 1341 माइनस 78 देन प्लस 1 ऐसे निकलेंगे ना, उसके लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा 1342 और यहाँ पे 74 3 मतलब 13 यहाँ पे 6 और यहाँ पे
सारे 1 2 6 4 है ना, 1 2 6 4 सही ना, 1 2 6 4 आ रहा होगा। हाँ सही। अब इसे आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे किससे, 4 से। अगर आपने इसे डिवाइड किया देन रिमाइंडर इज योर, आएगा 0 आ जाएगा ना, तो 64 है ना, 64 4 से डिवाइड जाता है, तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो दैट इम्प्लाइज इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 है ना, ऐसा क्या बन जाएगा, 0। हमने बताया था ना, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर सपोज हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है देन यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो आया होगा शायद, आया था किसी का, सो रहे हो क्या। चलो नेक्स्ट ये बताओ, आयोटा रेस टू आर सेम है, आर इज इक्वल्स टू 4 2 205। R is equal to 4 2 205, R is equal to 4 2 205 iota raised to R। इसका वैल्यू आपको बताना है। बस क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएगा, 205 माइनस 4 प्लस 1। सर इज इट माइनस 1, व्हाट आंसर, हेलो, यस सर आंसर माइनस 1, माइनस 1 यहाँ क्या आ गया, 202। तो 202 देन वी डिवाइड इट बाई 4, तो वी गेट रिमाइंडर एज 2। ओके, रिमाइंडर एज 2, तो देन अच्छा रिमाइंडर अगर 2 आ रहा है तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, टेक द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो फर्स्ट टू टर्म्स क्या आ जाएगा, आयोटा रेस टू 4 प्लस आयोटा रेस टू 5 है ना, आयोटा रेस टू 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 एंड दिस विल बिकम आयोटा, ये आंसर आएगा ना, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा इज द करेक्ट आंसर, 1 प्लस आयोटा। तो किसी को डाउट है यहाँ पे बताइए, यहाँ पे किसी को डाउट है, अच्छा ठीक है, तो आप एक काम करें, कुछ होमवर्क ले लें है ना, आज के लेक्चर यहीं तक आप, तो अभी कुछ आपको होमवर्क ले जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका आंसर आप कल बताना मुझे, मतलब नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा रेस टू 25 प्लस 1 अपॉन आयोटा रेस टू 126। सेकंड प्रॉब्लम, आयोटा रेस टू 597
थर्ड प्रॉब्लम आउटर रेज टू 30 आउटर रेज टू 40 15 देन आउटर रेज टू 60 देन फोर्थ वन 1 प्लस आयोटा रेज टू 100 नंबर 5 1 माइनस आयोटा रेज टू 100 नंबर 6 1 प्लस आयोटा रेज टू 99 नंबर 7 समेशन आर इज इक्वल टू 53 टू 947 आयोटा रेज टू आर देन नंबर 8 समेशन आर इज इक्वल टू 41 टू 801 आयोटा रेज टू कितने हैं टोटल प्रॉब्लम कितने हैं 8 इसे आप ट्राई करना घर पे है और फिर इसका नेक्स्ट क्लास में इसे हम डिस्कस करेंगे बराबर है अच्छा 4, 5, 6 के लिए हिंट दे रहे जैसे ये आपको नया प्रॉब्लम दिख रहा होगा आप पहले ये निकाल लें 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर ओके इसकी वैल्यू निकाल लेना 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू निकाल लेना फिर आप इससे प्रोसीड करना तो आंसर आ जाएगा तो ये आप घर पे ट्राई करो और आज का जो क्लास है वो एक बार फिर से आप देख लेना है ना ताकि और भी ऐसा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए और उसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा बराबर तो सारे से आंसर पूछेंगे हम बराबर एक एक करके 8 प्रॉब्लम है 6 बच्चे है बाकी तो गायब है तो बाकी सबसे है ना एक एक करके पूछेंगे ठीक है फिर आपका लेक्चर आज यहीं तक रहे है ना नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को कंटिन्यू करेंगे ठीक है ना ठीक है फिर अभी लेक्चर एंड किया जा रहा है